हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समीना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कच्चे कीमे के कबाब, जो बनाना बहुत ही इजी है और खाने में लाजवाब लगते हैं। चलिए कर लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट नोट। ये मैंने लिया है 600 ग्राम कीमा लिया है मैंने। इसको मैंने 3 टीस्पून कच्चे पपीये का पेस्ट लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। ये मैंने लिया है हैंडफुल हरा धनिया लिया है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये मैंने लिया था 1/2 कप भुने हुए चने, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था इसको। ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें हम ऐड कर देंगे, मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस करके इसका सारा पानी निकाल दिया था। ये देखिए प्याज हमारी एकदम ड्राई है, इसमें कोई पानी नहीं है। और ये मैंने लिए थे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया था। ये मैंने लिया है 1 नींबू का जूस। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब चलिए चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। हम कच्चा पपीया ऑलरेडी हमारे कीमे पे लगा चुके थे, हमने इसको रख दिया था 1 आवर के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का जूस, लहसुन अदरक पेस्ट, हमारे जितने भी पाउडर मसाले हैं हम वो इसमें कर देंगे ऐड। हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी कद्दूकस की हुई प्याज, और जो हमने फ्राई की थी उसको अच्छे से हाथ से तोड़कर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए इसे हमें करना है बहुत अच्छे से मिक्स। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हो गया हमारा कीमा मिक्स सब मसालों के साथ। अब हम इसको रख देंगे 1/2 आवर के लिए, और 1/2 आवर के बाद हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये हमने ले लिया था, इसमें हमने एक फ्राई पैन लिया था, उसमें हमने ऐड कर लिया था 1/2 कप ऑयल। अब हम इस ऑयल को होने देंगे गर्म। चलिए इतने देख लेते हैं कि हमें कबाब कैसे बनाने हैं। हमें लेना है इसका एक पोर्शन, और इसे इस तरह से अच्छे से हाथों में कर लेना है प्रेस, उसको बना लेना है, इस तरह से फ्लैट करना है और अच्छे से इसको देनी है एक शेप। देखिए इस तरह से हमने इसको एक देनी है अच्छे से शेप। इसी तरह से हम कर लेंगे हमारे सारे कबाब को रेडी। इसको हमें थोड़ा बड़ा सा और थोड़ा फ्लैट करके बनाना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ये श्रिंक होता है। चलिए ऑयल हो चुका है गरम, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे कबाब। एक एक करके हमने इसमें सारे कबाब ऐड कर देने हैं। जो हमारी फ्लेम रहेगी वो मीडियम टू लो रहेगी, हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक और कबाब। इसे तब तक कुक करना है जब तक एक अच्छी सी कलर नहीं आ जाता और जो हमारे कबाब है वो अच्छे से अंदर तक सिक नहीं जाता है। देखिए इस तरह से हमने कर दिए इसमें सारे कबाब ऐड। बीच बीच में हमें इसे टर्न करके देखना है कि ये हमारे एक साइड से हो गए हैं या नहीं। ये देखिए ये हमें हो गए हैं लगभग 5 मिनट से सेकते हुए। अब हम टर्न करके देख रहे हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आ गया हमारे कबाब पे।
हम एक एक करके सारे कबाब को टर्न कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट्स के लिए अच्छे से कर लेंगे कुक। ये देखिए दोनों साइड से माशाल्लाह से कितना अच्छे से कलर आया है हमारे कबाब पर। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है कबाब की। चलिए हम इसी तरह से हमने कर लिए हैं सारे कबाब को फ्राई और अब हमने इसकी कर ली है प्लेटिंग। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे कबाब। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।